नमस्कार दोस्तों, ओम मेस्ट्रो वास्तु चैनल आप ही का चैनल है, उसमें आपका स्वागत करते हैं। मित्रों दोस्तों, आप जो हमारे चैनल को बढ़ा रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करता हूं मैं आपको राहु अगर आपके बारहवें भाव, इसको बारहवें भाव में अगर बैठे हैं तो क्या फल देंगे। बारहवें भाव को द्वादश भाव भी बोलते हैं, हिंदी में ट्वेल्थ हाउस बोलते हैं। इस ट्वेल्थ हाउस को काफी परेशानियों वाला बोला जाता है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का भाव है, व्यय का भाव है, कर्ज का भाव है, यानी आप कहीं से लोन लेंगे नुकसान होगा, नुकसान का भाव है। विदेश गमन, एक जमाने के अंदर विदेश यात्राओं को तो अच्छा मानते थे लेकिन विदेश गया तो वहां से वापस आने के साधन नहीं थे, तो इसको विदेश गमन का भी एक भाव बोला जाता था। अनैतिक आचरण का भाव है, शत्रु का भाव है, जेल यात्रा का भी भाव है ये। अगर राहु बारहवें भाव में विराजमान है तो क्या फायदा देंगे। अरे जातक को बहुत ही पराक्रमी बना देंगे। क्रूर ग्रह अगर हमारे 6, 8, 12 में हो तो फायदा देते हैं। बारहवां भाव भी हमारा अच्छा भाव नहीं होता, लेकिन अगर राहु यहां बैठ गए तो आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना देंगे, ऊंचे आदर्शों वाला बना देंगे, परोपकारी बनाएंगे, वेदों में रुचि होगी, ऐसा व्यक्ति साधु की तरह व्यवहार करता है, परिश्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर ऐसा व्यक्ति काफी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उन्नति के शिखर पर पहुंचता है, शत्रुओं का नाश होता है अपने आप। विभिन्न जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनमें भी ये काफी ऊंचे पद पर पहुंचकर धन का लाभ लेते हैं, एक ही स्थान पर टिक कर बैठते हैं तो इनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। राहु और गुरु दोनों अगर अच्छे भाव में हैं, एक और बात बताता हूं, राहु के साथ अगर गुरु भी बैठ गए ट्वेल्थ में तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अच्छे भाव में बैठे होने चाहिए या उनकी दृष्टि होनी चाहिए। राहु ट्वेल्थ में है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति एक पायलट बनता है अच्छे लेवल का। अमीर तो वो होगा ही, लेकिन एक और चीज हो जाती है कि ट्वेल्थ भाव में ये अनैतिक कामों से भी पैसा कमाने की इनकी इच्छा हो जाती है। ट्वेल्थ भाव में राहु पे अगर क्रूर दृष्टियां आ रही हैं, इनके साथ कोई क्रूर ग्रह भी बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, परिश्रमी होगा, मेहनती करेगा लेकिन उसका फल नहीं होगा क्योंकि विवेकहीन है, इसके अंदर माइंड खत्म हो जाता है, चिंताग्रस्त रहता है। एक चीज है, बारहवें भाव में अगर राहु विराजमान है तो आपके जीवन के प्रारंभिक जो समय है कुछ उनमें आपको थोड़ी इधर उधर भटकाव मिलेगा, जीवन के नौकरी के जो नए नए रास्ते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा दूर जाने की, जहां जन्म स्थान से दूर जाने की चेष्टा करेंगे तो आपका भाग्य उदय होने का, खूब कमाई होगी। और बस एक ही चीज होती है कि ऐसा व्यक्ति व्यय भाव में बैठा है ना राहु, तो जोड़ेगा नहीं, खर्चीला बहुत होता है, इधर पैसा आया 100 रुपए आए तो 101 रुपए खर्च कर दिए। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ यही है कि राहु की थोड़ी सी उपासना कर लें जिससे पैसा रुके उनके पास, अन्यथा छल कपट और विवेकहीनता के कारण उनको कोई भी चीज पैसा कमाने के बाद भी एंड ऑफ द लाइफ कुछ नहीं जोड़ पाते। और नीच कर्म से बचना चाहिए इनको, कोई ऐसे काम ना करें जो दूसरों को कष्ट हो या अनैतिक काम हो, अन्यथा जेल जाने के भी पूरे चांस बन जाते हैं ट्वेल्थ हाउस में अगर राहु विराजमान है। अच्छी दृष्टि है, लगन अच्छी है तो फायदा देगा ही देगा, लेकिन अगर दृष्टि बीच में खराब आ गई या दशा खराब आ गई, ट्वेल्थ हाउस की दशा आ गई और उसके साथ कोई और क्रूर वगैरह की दशा आ गई तो जेल यात्रा भी खराब देते हैं ये। मित्रों आप हमारे चैनल को बहुत पसंद करते हैं उसका धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी अभी चैनल को देखा है उनसे निवेदन, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने मित्रों दोस्तों में इसको भेजें, कोई कमेंट्स बॉक्स में मेरे अपना कोई समस्या है जरूर भेजें, उसका जवाब दूंगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें इसी अवधारणा के साथ। धन्यवाद। नमो नारायण।